कि व्हाट डू यू मीन बाय अ हाउस, तो अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन, ये हमें एक हाउस बचाता है, ठीक है। व्हाई डू वी नीड अ हाउस, वैसे दोनों क्वेश्चन एक ही दे रखा है इसने, हाउस के की क्या ज़रूरत है, तो अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डस्ट विंड एंड एनिमल्स। व्हाट इज अ बंगलो, बंगलो क्या होता है, बंगलो इज अ बिग हाउस, बंगलो एक बड़ा घर होता है विद लॉन एंड गार्डन, जिसमें लॉन भी होता है और गार्डन भी होता है, लॉन गार्डन समझते हैं ना, घर में पेड़ वगैरह उगाते हैं जिसमें, उसे कहते हैं लॉन और गार्डन। व्हाट आर द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैव मैनी फ्लैट्स या हाउसेज, जिनमें बहुत सारे घर बने होते हैं एक ही बिल्डिंग में, तो उसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को कहते हैं। व्हाट इज एन इग्लू, अ हाउस मेड अप ऑफ स्नो इज कॉल्ड इग्लू, जो घर बर्फ़ का बना होता है उसे इग्लू कहते हैं। द हाउस इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स, दिस टाइप ऑफ हाउस इज मेड ऑन व्हील्स, व्हील्स से बनता है। द हाउस बोट इज फाउंड इन कश्मीर, हाउस बोट जानते हैं बहुत सुंदर सी जगह होती है ऐसे करके, ये रहा एक ही बोट पे पूरा घर बना होता है, उस घर में रहते हैं, सब कुछ होता है इसमें, टीवी फ्रिज हर चीज़ होती है, और ये इग्लू होता है बेटा बर्फ़ को काट के, बर्फ़ में रहते हैं ये, एस्किमो होते हैं जो बर्फ़ में रहते हैं। तो हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन, इग्लू इज मेड अप ऑफ आइस और स्नो। अ कारवा इज मेड ऑन व्हील्स, अ हाउस मेड ऑफ स्नो और आइस इज कॉल्ड इग्लू। द कैंपर्स मेक टेंट, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैव मैनी फ्लैट्स, ये करेक्ट करके लिखना है, इग्लू है ये, बंगलो, हाउस बोट, कारवांस, टेंट, ये आपको राइट फाइव लाइन्स ऑन माई हाउस पे लिखना है, अपने घर के बारे में लिखना है, मैंने ऐसे लिख दिया, आपकी मर्जी, आप अपने आप पे लिख सकते हैं। आई लिव इन अ बंगलो, देयर इज अ ब्यूटिफुल गार्डन, देयर आर 10 रूम्स, देयर इज अ ब्यूटिफुल फाउंटेन, देयर इज अ गैरेज, ये कच्चा हाउस है, KUTCH, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, दिस इज़ कॉल्ड बंगलो, दिस इज टेंट, ये कारवान होता है, व्हील पे चलता है, कहीं भी ले जाते हैं, इसमें बंजाराज रहते हैं, इन इंग्लिश में नॉमड्स कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इग्लू, मैंने बताया था ना बर्फ़ का बना हुआ घर, नाउ योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड।